हेलो, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग बन जाते हैं गुजराती और बनाते हैं ढोकला। और ये देखिए मैंने बनाया है, और जैसे कि मेरी जो रेसिपी अच्छी होती है मैं उसकी तारीफ करती हूँ, तो सच मानिए ये भी बहुत टेस्टी बना था। टेस्टी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इस प्लेट में जितना दिख रहा है उसमें से आधे से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड खा गए थे, उनको बहुत पसंद आया। और इसको बनाने के लिए कुछ नहीं है, बस घर के थोड़े से सामान, और मार्केट से जो सामान लाना है बस है इनो, और सब कुछ तो घर पे ही रहता है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग खट्टा मीठा ढोकला। यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, मैंने छोटा चम्मच नमक डाला था इसमें, और थोड़ा सा चीनी यहाँ पे ऐड करेंगे। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में भी इसमें चीनी का जो फ्राई होता है छौंका लगता है वो पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाला था। इसमें अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे आधा नींबू का रस। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको मिक्स करते रहेंगे, और इसको हम वन साइड डायरेक्शन से ही मिक्स करेंगे। अगर आपको इनो यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पे इसमें दही मिक्स करके, लेकिन उसके लिए फिर आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप इस बेसन को रेस्ट करने के लिए रखिएगा, ताकि इसमें जो खमीर है वो थोड़ा उड़ जाए, क्योंकि इनो डालने से इंस्टेंट खमीर यहाँ पे उड़ जाता है, जो भी बबल्स है तुरंत बनने लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर खुद देखेंगे, ये देखिए जैसे ही इनो यहाँ पर ऐड किया है तो देखिए बेसन कैसा हो गया है। हमें इसको यहाँ पे रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप इंस्टेंट तुरंत बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे से बेसन हो गया है। फिर भी यहाँ इसको हम 5 से 6 मिनट तक मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही ये थोड़ा जो फ्लफी और थोड़ा स्पंजी बनता है वैसा ही बनेगा। फिर भी बहुत देर तक इसको मिक्स नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था, और वीडियो मैंने 4-5 दिन से कोई बनाया नहीं था कुकिंग वाला, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बना के एक वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूँ। अपलोड में फिर भी नहीं कर पाई, ये मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था, अब तो ये खाकर ख़त्म भी हो गया है, लेकिन इसका वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी। अब किसी कंटेनर में आप यहाँ पे ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल को। मेरे पास ये कटोरा रखा था तो मैंने इसी में लगा दिया। अब इस ढोकला बैटर को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके और थोड़ा इसको सेट कर देंगे। एक तरफ हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, आप कुकर में ही बना सकते हैं, जो भी बर्तन आपका जिसमें ही फिट आ जाए, कुकर में कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई चढ़ा दिया था, और उसमें मैंने कोई स्टैंड नहीं अंदर से रखा है, आप चाहे तो छोटा सा कोई स्टैंड आपके पास हो तो रख सकते हैं। मैंने यहाँ से पानी के ऊपर ही इस कटोरे को यहाँ पर सेट कर दिया था, और ऊपर से लगा देंगे ढक्कन।
बस इसको यहाँ पे बहुत ही लो फ्लेम पे, लो से भी लो आप जितना धीमा कर सकते हैं, धीमी आंच पर पकाना है। ये देखिए 15 से 20 मिनट टाइम लगा होगा, 20 मिनट भी नहीं, 15 मिनट का टाइम लगा होगा। उसके बाद देखिए, और ये पूरा कटोरदान का डिजाइन ही बन के आ गया है। एक तरफ पैन में मैंने घी डाला है, आप रिफाइंड ऑयल या जो भी दूसरा कोई ऑयल यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। काली राई से फ्राई किया जाता है, मेरे पास यही सरसों रखी थी तो मैं इसी से फ्राई कर रही हूँ, मैं इसी को काला कर दूंगी अभी। फिर हरी मिर्च डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे। जैसा कि हरी मिर्च और धनिया मेरे घर में सूख जाती है रखे रखे, क्योंकि मैं इधर कई दिन घर में नहीं थी तो सब रखे रखे सूख गया, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है तो मैंने बनाया। करी पत्ता, हरी मिर्च और राई, इनको डाल के थोड़ा पानी अब बाद में डालिएगा फ्राई होने के बाद। और यहाँ इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। बस जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसी से हम लगाएंगे छौंका। देखने से कितना सुंदर लग रहा, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पक रही है। बहुत देर तक इसको नहीं पकाना है, बस ये चीनी आपकी उसमें पानी में जैसे ही घुल जाए और थोड़ा सा पक के बस इसको आप हटा लीजिएगा। और यहाँ मैं काटूंगी केक बेसन का, और मेरे पास केक वाला नाइफ भी रखा है, ये देखिए। पीस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं छोटे बड़े, मैंने बहुत बड़े पीस नहीं बनाए, थोड़े छोटे ही बनाए थे। बस यहाँ ऊपर से इसको हम ये फ्राई वाला पूरा सब डाल देंगे, और ये तैयार हो गया हमारा ढोकला, हमारा नहीं मतलब कि बेसन का ढोकला। और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी टेस्टी है, और सच में ये रेसिपी जल्दी बन जाती है, कोई गेस्ट आए तो आप जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा, खा कर देखिए। तो ये है हमारा बेसन का जूसी खट्टा मीठा ढोकला। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट फिर किसी नए वीडियो में। और आप लोग के लिए मैं कुछ पकाती हूँ, फिर आप लोग को खिलाती हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए, थोड़े कमेंट्स करिए। और जो आप लोग नए हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।